हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन ऑफ क्वीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है ओरियो स्विस रोल्स। ये रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी है। इस रेसिपी को जब आप एक बार देख लेते हैं तो आपसे रहा नहीं जाएगा, आप तुरंत चले जाइएगा बनाने के लिए, क्योंकि ये बस 5 मिनट में ये रेसिपी बनकर रेडी होने वाली है फ्रेंड्स। तो बिना देरी किए हुए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और साथ में ही एक लाइक कर दीजिएगा। इस रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मुझे चाहिए बस 2 ओरियो बिस्किट, वो भी बस 10 रुपये वाली। ये 10 रुपये वाली ओरियो बिस्किट से आप ढेर सारे ये ओरियो स्विस रोल बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी प्रोसेस में। तो देखिए इस तरह से आप 10 रुपये वाली पैकेट 2 बिस्किट के ले लीजिए। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं तो 3 या 4 ले लीजिए। मैं बस 2 ही पैकेट के मैं बनाकर दिखा रही हूँ आप लोग को। तो इस तरह से ओरियो की 2 बिस्किट के पैकेट ले लीजिए। आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बस 2 ओरियो के बिस्किट के पैकेट ली हूँ। तो चलिए हम ओरियो के पैकेट से सारे बिस्किट को निकाल के एक प्लेट में मैं रख लेती हूँ। देखिए आपको इस तरह की ओरियो बिस्किट लेना है, व्हाइट क्रीम वाली बिस्किट लेना है, ना कि आपको पिंक वाली क्रीम का लेना है। अगर आप व्हाइट वाली क्रीम का लीजिएगा तो देखने में ये स्विस रोल अच्छी लगेगी, इसीलिए हम व्हाइट क्रीम वाली ओरियो बिस्किट का यूज कर रहे हैं। तो सारे बिस्किट को मैं एक प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ, और चलिए इसके आगे की प्रोसेस पे अब चलते हैं। तो हमें करना ये है कि ये जो ओरियो बिस्किट के जो बीच वाली क्रीम है उसे हमें निकाल के एक बॉल में अलग से निकाल के रख लेना है। तो आपको करना क्या है, तो आप एक नाइफ ले लीजिए या फिर स्पून ले लीजिए और ओरियो से उसके क्रीम को निकाल के एक बॉल में रख लीजिए। तो जिस तरह वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह आप उसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए इसके सारे क्रीम को एक बॉल में निकाल लीजिए। क्या आप लोगों को ओरियो बिस्किट की केक की रेसिपी चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेशन में डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग देखिए और सारे क्रीम को ओरियो बिस्किट में से सारे क्रीम को निकाल के एक बॉल में रख लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे क्रीम को निकाल के एक बॉल में रख ली हूँ। तो चलिए अब हम इसके आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। तो हमें करना ये है कि तो ओरियो बिस्किट को अब हमें ग्राइंड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक मिक्सी का जार ली हूँ और उसमें ओरियो बिस्किट को तोड़ के हाथों से अच्छी तरह से तोड़ के इसमें ऐड कर दीजिए। बिस्किट को ग्राइंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 20 से 30 सेकेंड में ये ग्राइंड हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर सारे बिस्किट को तोड़ के मिक्सी जार में ऐड कर दी हूँ। तो आप करना क्या है, इसका ढक्कन को लगा देना है और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर ग्राइंड कर ली हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको ग्राइंड करके इसका पाउडर निकाल लेना है एक बॉल में। तो चलिए हम इसे दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको ग्राइंड करके निकाल लेना है एक बॉल में। देखिए इस तरह की बारीक वाली आपको पीस लेना है, और ज़्यादा बारीक भी नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा दरदरा भी रहना चाहिए। आपको ग्राइंड करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये पाउडर हल्का सा दरदरा रहना चाहिए, क्योंकि जब इसकी मिठाई बनती है तो थोड़ा सा दरदरापन रहता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो अब हमें मिल्क की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं मिल्क को ऐड कर रही हूँ। तो आपको एक ही बार में सारे मिल्क को नहीं ऐड करना है, पहले आपको 2 से 3 चम्मच मिल्क को ऐड कीजिए और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिलाइए। ज़्यादा मिल्क दे दीजिएगा तो आपकी ये हो सकती है कि ये गीला बन जाए, हमें इसका एकदम टाइट डो चाहिए, इसीलिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिल्क को ऐड करते हुए ही आप इसे अच्छी तरह से गूंथ ले। तो देखिए अब मैं फिर से इसमें मिल्क को ऐड कर रही हूँ। तो आप इसमें ज़रूरत के अनुसार ही इसमें मिल्क को ऐड कीजिए और हाथों से इसे अच्छी तरह से गूंथ लीजिए। तो देखिए इस तरह का आपको डो तैयार करके रख लेना है। मैं इसमें शुगर का यूज़ नहीं की हूँ, आप चाहे तो इसमें शुगर को भी ऐड कर सकते हैं। ओरियो बिस्किट तो पहले से ही मीठी होती है, इसीलिए मैं इसमें शुगर का यूज़ नहीं की हूँ। तो देखिए इस तरह का डो आपको तैयार करके रख लेना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो इसके लिए जो मैं क्रीम को निकाल के एक बॉल में रखी हुई थी इसमें मैं मिल्क को ऐड करूँगी। तो हमें करना ये है कि इसमें धीरे धीरे मिल्क को ऐड करते हुए इसे अच्छी तरह से मिलाना है, एक ही बार में सारे मिल्क को नहीं ऐड कीजिए, इसमें धीरे धीरे ही मिल्क को ऐड कीजिए और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। इससे का हमें क्रीमी पेस्ट बनाना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो देखिए यहाँ पे मैं बस 5 रुपये वाली पैकेट
प्रोडक्ट टी डोस्ट का यूज़ कर रही हूँ। तो आप एक मिल्क पाउडर ले लीजिए, आप किसी भी फ्लेवर का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो अब हम इसमें मिल्क पाउडर को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हम इसे मिला रहे हैं तब तक आप एक कॉमेंट करके मुझे बता दीजिए आप कौन से गाँव या शहर या कहाँ से देख रहे हैं। तो एक कॉमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। तो देखिए, इस तरह का आपको तैयार करके रख लेना है पेस्ट को। तो चलिए हम अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो इस तरह की आपको कोई भी प्लोथिन लेना है तो इस तरह का आप प्लोथिन ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से पहले वॉश कर लीजिएगा फ्रेश वाटर से। और इसे अच्छी तरह से फ्रेश वाटर को वॉश करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा और फिर इसमें ये बॉल्स को ऐड कर देना है। और देखिए, इसे करना क्या है, तो पहले आप हाथों से हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस कर दीजिए और इसके बाद एक बेलन की हेल्प से इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला दीजिए। तो आप इससे तब तक बेलिए जब तक कि ये अच्छी तरह से फैल नहीं जाए और आपको इसकी जितनी मोटाई रखनी है आप उसके अनुसार और आप इसे मोटा या पतला बेल सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसे बेल लीजिए। तो देखिए, इस तरह से आपको बेल करके इसे रेडी कर लेना है और इसे चारों तरफ से इसे इक्वल कर लेना है। तो इस तरह से आप बेल लीजिए फ्रेंड्स। तो अब हमें करना क्या है, एक सीजर की हेल्प से इस पन्नी को काट लेना है और ऊपर वाली परत को हटा देना है। तो इस तरह से आप काट लीजिए और ऊपर वाली परत को हटा दीजिए क्योंकि इस पर जाएगा वो वाइट वाली क्रीम। तो इस तरह से आप सावधानी पूर्वक आप इसे हटाइए। तो देखिए, मैं यहाँ पर हटा ली हूँ। अब मैं इसमें ओरियो की जो क्रीम बनाई हुई थी अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला लीजिए। तो देखिए, इस तरह से आपको कोई भी स्पून की हेल्प से आप इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से लगा दीजिए, इस पर अच्छी तरह से पूरा लगा लीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैं इसमें लगा ली हूँ। अब आपको करना क्या है, एकदम सावधानी पूर्वक से आपको इसे रोल करना है। तो जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह से आप इसे अच्छी तरह से रोल कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से आप अच्छी तरह से रोल कर लीजिए। अब आप इसे पूरा ही रोल कर लेना है और इसे एक टेप की हेल्प से इसे चिपका के आप फ्रीज़र में रख दीजिए बस 2 घंटा के लिए। और आपके 2 घंटा के बाद देखिए, अब हम फ्रिज से इसे निकाल चुके हैं और इसके टेप को मैं निकाल दे रही हूँ। इस तरह से अगर आप रखिएगा फ्रिज में तो आपकी ये जो मिठाई है तुरंत ही बन करके रेडी हो जाएगी। तो 2 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो देखिए, मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ। पता है फ्रेंड्स आप लोग को, जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाइएगा ना तो आपको बार बार बनाकर खाने का मन करेगा क्योंकि ये रेसिपी है ही इतनी अच्छी। और जब आप एक बार बनाते हैं तो आपके घर में सभी लोग आपकी तो खूब सारी तारीफ़ करने वाली है क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो मेरे मुंह में तो अभी बहुत सारा पानी आ रहा है, बट इसे मैं एक कट करके दिखाती हूँ आप लोग को, इसके बाद ही मैं इसे खाऊंगी। तो देखिए, वाओ, है ना कितनी ज़बरदस्त यमी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब हम इसे कट करके दिखा रही हूँ। बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है खाने के लिए। जब आप बच्चे को ये रेसिपी बना कर दीजिएगा तो बच्चे तो आपके सारे खुश हो जाएंगे। तो चलिए, अब हम इसे कट कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से आप नाइफ की हेल्प से इसे अच्छी तरह से काट लीजिए। तो आपको जितनी मोटाई रखनी है तो आप उसके अनुसार आप इसे कट कर सकते हैं। पतला रखना है तो पतला रखिए और मोटा रखना है तो मोटा रखिए। तो इस तरह से आप इसे कट कर लीजिए। तो है ना कितनी ज़बरदस्त रेसिपी। तो आप लोग एक कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की वीडियो जब आती है तो आपके पास डायरेक्ट पहुँच सके। तो चलिए, दिखाती हूँ मैं अब इसे कट करके। तो एक नाइफ की हेल्प से मैं इसे कट कर ली हूँ और इसके अंदर का जो टेक्स्चर देखिए कितनी यम्मी, कितना लजीज है। वाओ, मन तो कर रहा है अभी खा लूँ। अभी क्या खाऊँ, मैं तो खा भी रही हूँ साथ साथ में क्योंकि ये रेसिपी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ और जब तक हाथों से तोड़ कर नहीं दिखाया जाए तब तक तो मज़ा ही नहीं आता है। तो देखिए, इस तरह से अंदर का टेक्सचर देखिए कितनी यम्मी है। वाओ, है ना बहुत ज़बरदस्त। तो इस तरह की रेसिपी आप लोग बना सकते हैं। जब आपके घर में कोई भी पार्टी हो या बर्थडे सेलिब्रेशन हो या एनिवर्सरी हो या कोई भी फेस्टिवल हो तो आप उस पर ये रेसिपी को बना सकते हैं। ये बनाने में तो बहुत ही कम टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरह की न्यू रेसिपी बनाइए और सभी का दिल जीत लीजिए। तो इस तरह की रेसिपी एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप कब ट्राई करने वाले हैं।
और हाँ फ्रेंड्स, आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप अपने रिलेटिव्स को ज़रूर ये रेसिपी शेयर कीजिएगा, ताकि वो ये इस रेसिपी को बना सके। और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।